नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है एकादशी व्रत, तो एकादशी व्रत के लिए ही कल तैयारी कर रही थी, सारे निपाई पोताई कर ली थी गोबर से। और आज है एकादशी व्रत, जो कि महीने में दो बार आते हैं एकादशी व्रत। तो ये वाला एकादशी व्रत से मेरा ये पहला एकादशी व्रत है, तो स्टार्टिंग की हूँ आज से, देखते हैं कब तक कर पाती हैं। और ये निर्जला भी व्रत होता है और फल पर भी कर सकते हैं, तो निर्जला तो नहीं लेकिन फल पर मैं करूँगी और मैं फल वगैरह खाकर ही करूँगी। तो अभी तो नहीं लेकिन शाम में कम से कम 4 बजे फल मैं एक टाइम खाया जाता है, तो एक टाइम ही फल करेंगे, फल खाएंगे। या फिर फल के सिवा मीठा चीज़ कोई चीज़ खा सकते हैं आप अन्न छोड़ के, तो ये फल हो गया, हलवा, गाजर का हलवा हो गया, शकरकंद का हलवा हो गया, ये सारी चीज़ों का हलवा बनाकर खाया जाता है। तो अभी तो मैंने पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, फूल नहीं थे तो फूल चढ़ा नहीं पाई हूँ, बाकी सब ऐसी सिंपल ही मैंने पूजा की है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे फूल आंगन में होंगे तो चढ़ाएंगे अच्छे से। तो अभी और ना ही सुबह सुबह बाज़ार खुले होते हैं कि मैं ला पाऊँ फूल, तो इसी तरह मैंने पूजा कर ली हूँ। चलिए अब नाश्ते की तैयारी करते हैं और आज सोच रखा है, देखते हैं पूरा होता है या नहीं। आज धूप आ गई है आंगन में, तो मैंने अचार को, सभी अचार को रख दिया है आंगन में इस तरह से, थोड़ा सा ढक्कन मैंने खोल दिया है ताकि अंदर भी धूप जाए। तो चलिए अभी जितने भी कपड़े थे धुले थे सुबह से रखे हुए, इसी तरह पड़े हुए थे, तो अभी धूप में डाल देते हैं। ठंडा लग रहा है, साल ओढ़ना पड़ेगा, धूप तो पूरा है। अभी हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, यहाँ दिन भी है, तो आज हम बाज़ार जा रहे हैं कुछ लाने, कुछ खास चीज़। क्या लाने जाते हैं चलिए बाज़ार में दिखाएंगे कि कहाँ कौन सा दुकान में ले चलते हैं। ये अभी तैयार हो रहे हैं, ये मैं तो तैयार हो गई हूँ, सुबह ही खाना वाना बन गया है, सबको खिला पिला दी हूँ। अब आराम से जाएंगे बाज़ार, देखते हैं लेते हैं कुछ खास चीज़। बहुत दिनों से सोच रही थी लेंगे, तभी बताएंगे दिखाएंगे सब चीज़। तो चलिए हमारे साथ बाज़ार। और कुछ पपीता ले लेते हैं, पपीता ले मट्टी का है, बगले का है, कितना मिलेगा? सीमेंट वाला मलाई पकड़ी मिलेगा। मैं कहाँ था अभी, मैं मलाई पकड़ी मिलता था पहले, आप नहीं जानते। आज क्या बताऊं, इनका बाइक भी 5-5 मिनट में रुके जा रहा था, पता नहीं पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, और झोला नहीं ले गई तो सब हाथ में टांगना पड़ा। तो फल लेकर आ गई, कैसे कैसे मैं सारा सामान लेकर आई हूँ जो मैं ही जानती हूँ। और देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, ये तो फल है जो हटा दिया इसमें, और ये गमला, मैंने खास करके गमला लेने गई थी, और तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा तो मेरे आंगन में है तो थोड़ा सूखे हुए हैं, तो सोचा कि आज अच्छा दिन भी है तो तुलसी का पौधा लाकर लगा देते हैं गमले में, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं आ रहे थे, तो अब तो धूप लगेगा वहाँ, फिर भी मैंने सोचा कि गमला लाकर अलग से लगा दूँ। और मैंने पूछा भी जिनसे मैंने लिया था कि मेरा पौधा क्यों सूख गया है, तो वो जो बोल रहे थे कि ये जो पौधा है ना उसमें पानी ज़्यादा डालने की वजह से सूखने लगता है हमारा तुलसी का पौधा। और दूसरी ये चीज़ कि हम लोग जब रोली सिंदूर लगाते हैं ना पौधे में, वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे है ना
जो कि पौधे भी ख़राब हो जाते हैं और नीचे में मिट्टी भी ख़राब हो जाता है। और जब हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम लोग मिट्टी में गिरा देते हैं, वो भी गलती हो जाती है कि दीमक लग जाता है, चींटियाँ जड़ के नीचे लग जाता है, इसलिए क्या होता है कि पौधा हम लोगों का सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। तो यही कारण था जो कि मैं ले रही थी तो मैं पूछ ली कि नहीं, मुझे पूछ लेना ज़रूरी है क्यों सूख रहा है मेरा तुलसी माता। तो अभी देख सकते हैं कि सभी को अपना अपना जगह पर लगा दी हूँ। और हाँ, दो मैंने गेंदे का फूल लेकर आई हूँ, एकदम पूरा खिले खिले, मुझे तो लालच आ गया देखने के साथ। तो मैं बोली इनसे कि मैं तो लूँगी फूल दोनों, एक यहाँ लगा दिया है और एक इसमें लगा दिया है घर ही पर। मेरा डिब्बा तो बहुत सारे हैं और अभी मैं खा रही हूँ पपीता, छील रही हूँ। अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे में ही ये जो फल वगैरह खा लेंगे, इसके बाद फिर रात तक निश्चिंत, फिर कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी 5 बज रहे हैं और 5 बजे ही मेरी नींद। अभी डेली इधर मैं रूटीन जब से मैंने बनाई हुई हूँ, जब से मैं 5 बजे ही उठ रही हूँ सच बोलूँ तो। और 5 बजे उठ जाने से मेरे तो भाई दिन ही बहुत अच्छा जाता है। मैं अपने खुद पर ये सोच लिया है कि जो मुझे करना है तो वो चीज़ करना है उठकर। सुबह मेरा सारे काम 2 घंटे में निपटा लेती हूँ, इसके वजह से ना मुझे टाइम कुछ मिल पाता है ताकि मैं अपने काम में फोकस करूँ। एक फ्रेंड्स हैं जो कि बोले थे कि आप दोपहर में क्या करते हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है दोपहर के टाइम तो एडिटिंग करने का वक्त ही समझिए कि वो मुझे मिलता है, जो कि अपने काम में ही फोकस करती हूँ। अगर एक दिन जिस दिन नहीं बनाया उस दिन मेरी वीडियो नहीं जाती है, समझिए यही होता है। जिस दिन मतलब बिजी कुछ और में हो जाती हूँ तो ये चीज़ हो जाता है। अगर एडिटिंग कर, मैं रात में एडिटिंग कभी नहीं करती हूँ क्योंकि रात में नींद में लेती हूँ, चाहे रात में खासकर नहीं चलाती हूँ, क्योंकि अगर रात में मैं चला ली मोबाइल तो फिर रात भर नींद नहीं आती है। इसीलिए मैं मोबाइल से 10 बजे से दूरी बांध लेती हूँ, दूर रख देती हूँ और फिर सोती हूँ, अपने पास भी नहीं रखती हूँ। और अभी सुबह का हो गया है ये पूजा पाठ मैं कर रही हूँ सुबह सुबह। और अभी मैंने फूल तोड़ लाई हूँ गेंदे वाला, दोनों फूल फुला हुए थे तो सोचा कि मुरझा जाएंगे पेड़ में ही, तो उसे तोड़ लेते हैं और भगवान जी पर चढ़ा देते हैं। हाँ, एक फ्रेंड्स ये भी कह रहे थे कि घर आंगन, रसोई रूम और आंगन ही दिखाते हैं, तो भाई ये फैमिली ब्लॉग है, हम लोग जो जीवन में करते हैं हम वही दिखा सकते हैं। हाँ, नए नए चीज़ दिखा सकते हैं हम अपने जीवन में, जो घटेगा तो वो चीज़ मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों से। आगे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे मैंने क्या किया वो भी बताएंगी, मतलब ये जीवन के उतार चढ़ाव मेरे हैं, जो भी मैं किस तरह से हैंडल करती हूँ, किस तरह से हैंडल करके आगे बढ़ूँगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी और मैं शेयर ज़रूर करूँगी इस चीज़ को, ताकि हर महिलाओं को मैं मोटिवेट कर सकूँ कि कैसे हम अपने जीवन को आसान कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम किस चीज़ को बुराई हो या फिर कुछ अच्छाई हो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं सभी से। तो ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में ज़रूर दूंगी ताकि हर महिलाओं को एक खुशी अंदर से महसूस हो और अपने काम ढंग से करते हुए आगे बढ़ सकें। तो बस यही कहूंगी अपने वीडियो में और देना भी चाहती हूँ यही। कल से भूखे पड़ी हुई हूँ, भूख लगी है जोरों से, जल्दी बनाते हैं। तो अभी जा रहे हैं दही भुजिया और रोटी खाएंगे मज़े से, दही लेके आते हैं। और अभी सभी बिजी हैं, कोई दुकान जाने वाला नहीं है, सभी अभी एगो तैयार हो रहे हैं, एगो बाथरूम में, एगो उधर पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं खुद ही दही लेकर आते हैं। अभी खाना पीना हो चुका है, खाना खाने के बाद ना ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से पूरा पूरा शरीर में पूरा लग रहा है खाना जा रहा है, जैसे लग रहा है एकदम कमजोरी जैसा। तो अभी आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस कोई भी बात हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन हो मन में जो कि महिलाएं खुलकर नहीं कह पाती हैं किसी से, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ ऐसा दुख होता है जो कि हम किसी को बता नहीं पाते हैं, उसका सलूशन क्या है हम नहीं जान पाते हैं, तो वो चीज़ आप लोग मुझसे कह सकते हैं कमेंट के द्वारा, उसका जवाब देने की कोशिश मैं करूँगी जो मुझे आता हो। और ये चीज़
बहुतों लोगों में ये चीज़ होता है कि सोचते क्या हैं, कितना पढ़ी लिखी है। मतलब गुण और ज्ञान दो चीज़ ऐसे हैं जो कि हम पढ़ाई से नहीं, हम अपने जीवन से सीखते हैं। तो यही चीज़ है कि हम अपने जीवन से जो मैंने सीखा है, अनुभव किया है, वही आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये नहीं है कि जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको ज्ञान नहीं होगा, वो भी एक ऐसा ऐसी बात है आप लोग बताएंगे ना कि आप लोग भी मतलब उस चीज़ पर चलेंगे तो हमारा भला ही होता है। देखिए बड़े बुजुर्गों को, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो हमें बताते हैं अगर उसे फॉलो करेंगे ना तो हम लोग मतलब ऐसी ऐसी कुछ बातें ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग जो कि करना ज़रूरी होता है। अनुभव अपना बताते हैं, अनुभव से ही बताते हैं वो अपना। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी हर महिलाओं को, किसी को किसी से कम नहीं समझें। कौन सा क्या, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, आप ऊपर से देख के नहीं बता सकते हैं किसी को। उसके अंदर क्या चल रहा है अभी आप नहीं बता सकते हैं, वो खुद जानता है कि वो क्या है। तो ये चीज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से और कहना ज़रूरी है आप लोगों से, क्योंकि हर महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम हो मतलब कुछ घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़े या कुछ कैसे मैनेज करें ये सारे चीज़ें, तो आप मुझसे खुलकर बता सकते हैं। मैं मुझे हो सकता है कि मैं वो अनुभव की हूँ तो वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।